आयुर्वेद तन मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर स्वास्थ्य में सुधार करता है। आयुर्वेद में न केवल उपचार होता है बल्कि यह जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन लंबा और खुशहाल होता है। आयुर्वेद के विभिन्न रोगों के इलाज के लिए हर्बल उपचार, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक दवाओं, आहार संशोधन, मालिश और ध्यान का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद से विभिन्न रोगों का इलाज कैसे होता है? आयुर्वेद का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? त्वचा के लिए आयुर्वेद कैसे काम करता है और आयुर्वेदिक औषधियाँ कौन कौन सी है? इसके अलावा आयुर्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं शिवमूर्ति तिवारी से, जो आपको देंगे आयुर्वेद की पूरी जानकारी और बताएंगे कि कैसे आयुर्वेद के इस्तेमाल से हम रोगों को दूर कर सकते हैं। हाँ, हमारे बीच पंडित दीनदयाल जी बैठे हुए हैं। ये इनका दावा है कि ये प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा रोगों का इलाज करते हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी नमस्कार। आप ये आपका दावा है कि हर रोग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा दूर की जा सकती है, तो इसके विषय में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ऐसा है कि जैसे सभी लोगों को जानकारी थी उसी तरीके से हमको भी जानकारी थी। ये 23 नवंबर 2017 का लगभग 2 बजे एक गाय के द्वारा जो है मुझे इस मंत्र की प्राप्ति हुई। गाय बीमार पड़ गई, हमारे जवान से निकला प्रभु क्या इलाज करें, मंत्र खोपड़ी पे बिल्कुल लिख उठा, दिमाग में लिख उठा। हम उसको चकाचौंध हो गए और उस पर कुछ देर विचार किए। विचार करने के बाद उस मंत्र को गाय को हम लगा दिए। आधा घंटा में गाय बिल्कुल कंप्लीट हो गई। उसी के दूसरे दिन से हम रोग पर इसका रिसर्च करने लगे। 15-20 आदमी प्रतिदिन, 200 आदमियों पर इसका हम जब रिसर्च किए तो रिजल्ट हर जगह अच्छा आया। उसके बाद प्रतिदिन हमारा जो है ये कार्यक्रम चलता रहा। लगभग 15 महीने बीत गया। 8,000 व्यक्तियों का इलाज हो गया, जिसमें टीबी, डेंगू बुखार, टाइफाइड, एड्स के बैक्टीरिया 24 घंटे से मिलाकर के 10-15 रोज में समाप्त हो जाते हैं। खाज खजली के समस्त बैक्टीरिया 15-20 रोज में समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद शुगर, टाइफाइड, एडिया, मतलब हाथ पैर कमर दर्द और जो है शुगर हुआ, टाइफाइड हुआ, थायराइड हुआ, गांठ गिल्टी, पथरी वगैरह सारे समस्त रोग जो हैं 1-3 महीने में समाप्त हो जाते हैं। हमें निचोड़ यह मिला, हम इस पर रिसर्च भी करते रहे किस तरीके से काम कर रहा है। चूँकि पूरे विश्व में शुगर, थायराइड, मोटापा, आलसपन ये सब बढ़ता जा रहा है, तो इस पर हम प्रतिदिन रिसर्च करते रहे। रिसर्च में हमारे यही आया कि ब्लड के ना बनने से, चूँकि आज पूरे विश्व में ब्लड के सर्जन नहीं है, और तो सर्जन है लेकिन ब्लड के सर्जन नहीं, तो ब्लड में एक पैसा ही सुधार नहीं हो पाता, जिससे मरीज 10-15 साल झेलता रहता। हमारे यहाँ ये प्रभु की कृपा 24 घंटे में ब्लड बनने लगता है। 10 दिन में हाथ पैर कमर दर्द, सर्वाइकल, रीढ़ दर्द, गर्दन दर्द ये सब आसानी से मिटने लगता है और 2-3 महीने में आदमी बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ये रोग का सारा कारण जो है ब्लड समस्या। और जब आपके शरीर में आलस, शिथिलता, शरीर में थकावट आपको महसूस हो तो आप समझ लीजिए कि हमारा ब्लड नहीं बन रहा है। और जब आपका 13 से ब्लड नीचे उतरना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिए कि अब हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। आपने प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अब तक कितने लोगों का इलाज किया? हमारे यहाँ 8,000 करीब लगभग मरी, हाँ, और लगभग ठीक भी हो गए, सफल इलाज, लगभग सफल है। शुगर के लिए आप क्या करते हैं? शुगर कितने दिन में ठीक होता है? शुगर हुआ, थायराइड हुआ, सर्वाइकल हुआ, रीढ़ हुआ, गर्दन हुआ, हाथ के पैर दर्द हुआ, सबका कारण एक है ब्लड का ना बनना। और ये अंदर एक ब्लड वाल्व है, जो वाल्व लूज हो जाता है जिससे जो कच्चा घोल तैयार रहता है उसको ले नहीं पाता,
तो ब्लड भी जा नहीं पाता, वही घोल वापस होकर के आपके शरीर में शुगर, थायराइड, सूजन, गांठ, गिल्टी तमाम रोग पैदा कर देता है। पर जी आप मिलते कहाँ हैं? तारुण बाजार जी। तारुण ये भैया अयोध्या जिले में है? हाँ अयोध्या जिले में जी। ठीक है।